दोस्तों स्वागत है आज की इस नए वीडियो पे। तो फाइनली आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी होने वाली है 57,500 रुपये की। तो कैसे आप इसको आवेदन करेंगे, ये आपकी रूलर लाइवहुड मिशन भर्ती 2023 की है, बड़ी भर्ती है और गुड न्यूज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फाइनली आपको लाइव ऑनलाइन करके दिखाते हैं क्या योग्यता है, कैसे आप कब तक कितना डेट है अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, भीमा चित्रा आपका जो छोटा भाई है उसको अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये आपका ज्वाइन अस रियलाइजिंग द स्ट्रीम, ये आपके लिए करंट, ये समझिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हैं कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सैलरी आपकी 57,546,40,000 और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक और स्नातक, प्रोफेशनल डिग्री, ये सारी योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोफेशनल ग्रेजुएट विथ 4 इयर्स कोर्स, या फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, कौन कौन से डिग्री डिप्लोमा लगेंगे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आपकी सैलरी आपको हमने दिखा दिया और आवेदन इसी PDF से होगा, इसी PDF में लिंक दिया गया है। मैं अगर आपको दिखाऊं लिंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव किया गया है, ये लिंक आपके स्क्रीन पर है और हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी हम आपको वो भी करके दिखाएंगे, उससे पहले आपको देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्म आपका 11 जनवरी से शुरू है, इसका जो आवेदन का अंतिम डेट है वो मिस्टर यहाँ पर रिसीव एप्लीकेशन 28 जनवरी 2023 तक, पूर्णतः ये ऑनलाइन है और आपका यहाँ पर इंटरव्यू के बेस पर होगा सिर्फ और सिर्फ, ना कोई एग्ज़ाम है ना कोई परीक्षा है। और आपका जो 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक आपका इंटरव्यू चलेगा और उसी बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फिलहाल अब वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और अब यहाँ पर आपके मन में होगा कि ये PDF मैं कहाँ से प्राप्त करूँगा, तो आप जो है इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस PDF को डाउनलोड करिएगा और वहाँ पर ये जैसे इस PDF को आप ओपन करेंगे तो आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है उसका नाम है भीमा चित्रा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जाके ऑलरेडी CHITRA, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप क्लिक करके ये PDF आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिंक आपको दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कह रहा है ओपन, और जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे गूगल फॉर्म है, यानी कि गूगल पे ये ऑनलाइन होगा। आप देख सकते हैं पूर्णतः सेफ है, कोई इसमें वो नहीं है। यहाँ से आप थोड़ा सा अपना email ID मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे इस email ID से अप्लाई नहीं करना है, तो चेंज करता हूँ। यहाँ से मैंने अपना email ID चेंज कर दिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना email ID फिल करना है, तो चलिए मैं अपना email ID फिल कर देता हूँ, लाइव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रजापति भीम PRAJAPATI प्रजापति भीम @gmail.com, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे जो आपके सर्टिफिकेट में है, तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ठीक है, भीम प्रजापति। और इसके बाद फिर यहाँ पर जेंडर आप क्या हैं, मेल हैं, और आप क्या है आपकी कैटेगरी, तो OBC या फिर जो भी है, यहाँ पर क्या क्या दिया गया, EBC BC बैकवर्ड कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी आप फिल करिएगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर जनरल फिल करता हूँ। और इसके बाद RU डोमिक, तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। RU ग्रेजुएशन एंड ग्रांड डॉटर फ्रीडम फाइटर, नो। और RU प्रेजेंट विथ डिसेबिलिटी, नो, मतलब आप क्या विकलांग हैं। मदर्स नेम यहाँ पर आप, मेरे माता का नाम सुशीला है, सुशीला प्रजापति, चलिए मैंने इसको भी फिल कर दिया। फादर का नाम रमा शंकर है, ठीक है, मैं सारी चीज़ें लाइव करके दिखा रहा हूँ, रमा शंकर प्रजापति है, मतलब मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ उसकी पूरी डिटेल। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना होगा, तो चलिए मैंने वो भी फिल कर दिया। एक आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा और फ़िलहाल मैं उसको भी फिल कर देता हूँ। इसके बाद फिर एक मिनट थोड़ा सा वेट करते हैं। 27,65,27,65,88, ठीक। इसके बाद एक मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, तो चलिए मैं मोबाइल नंबर को भी फिल कर देता हूँ ताकि इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया हो सके। ये वीडियो बन रही है या फिर नहीं, फ़िलहाल थोड़ा सा मुझे डाउट है।
और चलिए वीडियो कंप्लीट हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड आपको फिल करना है, तो मैं आधार कार्ड फिल करता हूँ 46 08 99 02 78 90। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको फिल कर दिया 46 08 99 02 78 90। और स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ठीक है उत्तर प्रदेश मिल जाए भाई। तो ये रहा उत्तर प्रदेश, मैंने फिल कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है इसको आपको यहाँ पर फिल करना है, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं 96। इसके बाद मंथ पे आते हैं, ठीक है फरवरी मार्च, ठीक है ये मैंने सेट कर दिया, ये भी सेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये कुछ इस प्रकार से हाईएस्ट, तो ये आप कह सकते हैं मास्टर प्रोफेशनल ग्रेजुएट, तो मास्टर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मास्टर डिग्री में क्या है आपका, रूरल डेवलपमेंट एमबीए और स्टडी अदर, अदर पे आप करिएगा। और मास्टर डिग्री कोर्स का नाम यहाँ पर लिखिए सोशियोलॉजी, सोशियो। थोड़ा सा एक मिनट टाइम दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं सोशियोलॉजी मैंने फिल कर दिया और कह रहा है कि नॉट हैविंग पीजी डिग्री, कोर्स डायरेक्शन 2 वर्ष, ठीक है। और पीजी डिग्री इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अहमदाबाद, और इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटियों का नाम दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ यूके, यूएस, कानपुर। तो फ़िलहाल ये सब काट के मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, अदर एक ऑप्शन मिलेगा मेरे हिसाब से, नॉट हैविंग नेशनल इंस्टीट्यूट, चलिए नॉट हैविंग पीजी डिग्री। और यहाँ पर दे रहा है ऑप्टेंड मास्टर डिग्री इन सीजीए परसेंटेज, ठीक है इफ़ मार्क, तो कितना मार्क्स था ये आपको भरना है, पासिंग ईयर भरना है, तो मैं यहाँ पर भर दे रहा हूँ 324। और इसके बाद पासिंग ईयर, ठीक है पासिंग ईयर 2023। और इसके बाद नेम ऑफ कोर्स ग्रेजुएट, तो यहाँ पर बीएससी भर दीजिए जो आपका है सब सही से ही भरिए, ठीक है बीएससी भर दिए। और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी इसमें फिर से वही आप भर दीजिए अदर। इसके बाद यहाँ पर इफ़ एबव लिस्टेड नेचर यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो कॉलेज का नाम आप अपने भर दीजिए एस बी एन पी जी कॉलेज, ठीक है एस बी एन पी जी कॉलेज सुल्तानपुर यूपी, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर दे रहा है परसेंट ऑप्टेंट मार्क, तो परसेंट था 62.62, मैं परसेंट एक बार निकाल लूँ थोड़ा सा, 62.16। तो यहाँ पर मैं 16 लिख दूँ 16। इसके बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री था 3 इयर्स का, पासिंग ईयर 2017, ठीक है इसको आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेम ऑफ स्कूल 12, तो SPN इंटर कॉलेज कलान, ठीक है कलान सुल्तानपुर यूपी। इसके बाद बोर्ड ऑफ कॉलेज, बोर्ड ऑफ नेम यूपी, भाई देखिए आपके सामने सारी चीज़ भर रहा हूँ, यूपी बोर्ड, ठीक है यूपी बोर्ड, चलिए मैंने इसको फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर परसेंट 79.40। इसके बाद 2014, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ हाई स्कूल, यहाँ पर क्या भरना था, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज एस एस वी एन
इंटर कॉलेज कलान 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 सुल्तानपुर यूपी। ठीक है, इसके बाद फिर से बोर्ड यूपी यूपी बोर्ड। ठीक है, इसके बाद फिर आपका क्या दिया है यहाँ पर परसेंट, तो 72.33। ठीक है, 433 तो 42 12 हुआ और 6 × 12। चलिए मैं चेक कर लेता। इसके बाद हाई स्कूल का पास ईयर यहाँ पर भरना है तो उसको भर देते हैं। इसके बाद इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे करते हैं यहाँ पर कह रहा है कन्वर्टेड परसेंट भरना है ना, तो 64, ये गलत हो गया इसीलिए कह रहा है 64.  कितना आएगा, 324 था ना, 5 × 20 = 8, 64.8। अब इसको मैं फिर से क्लिक करता हूँ नेक्स्ट और ये संभवतः हो गया प्रोसेसिंग। आगे बढ़ाता हूँ, इसके बाद यहाँ पर दे रहा है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर 0 लिख दो, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा सब कुछ डेटा वर्क ये सब फिल करना, जॉब तो ये सब तो है नहीं मेरे पास, तो फ़िलहाल आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट करते हैं। और ये नेक्स्ट हो भी गया। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होगा, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ अपलोड हो गई। अब मैं इसको फिर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फॉर्म सबमिट होता है या फिर नहीं। तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है, अगर सब कुछ सही रहा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और ये फॉर्म योर प्रोसेस रिक्वायरमेंट फॉर्म सबमिट, तो यानी कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर ये मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और भीमा चित्रा टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर जरूर करिएगा।